हर बंदे ने जो बीजा उन्होंने वढ़ना पैना, चाहे वह कमलजीत सिंह कड़वल हो, चाहे वह कोई होर हो। जिहड़ी आम आदमी पार्टी अपने आप नूं कहिंदी सी साडी आइडियोलॉजी जिहड़ी आ बिल्कुल डिफरेंट आ, इधरों उधरों लैके अपने नग पूरे कर रहे आ। असल दे विच टीम है नहीं, लड़ाई वड्डी आ। 2022 विधानसभा चोण लैके जिहड़ी सियासत गरमा गई, वख-वख पार्टियां वल्लों जिहड़े वड्डे वड्डे दावे करने शुरू कर दिए गए। तुहानूं दस दईए कि जिहड़ा दल बदलो जां सिलसिला उह वी लगातार लुधियाने विच जारी है, ते लगातार ये तीन वड्डे आगू आ आम आदमी पार्टी दे शामिल हो गए। बीते दिन ही कांग्रेसी आगू कुलवंत सिंह सिद्धू वी जिहड़े ने आम आदमी पार्टी दे शामिल होए सी। अज्ज असीं गल करांगे लुधियाना दे हलका आतम नगर हलका जिहदे विच जिहड़े विधायक ने सिमरजीत सिंह बैंस ने, ते दूजे पासे गल करिए उम्मीद जताई जा रही कांग्रेस दी इस बार जिहड़ी उम्मीद आ कमलजीत सिंह कड़वल होणगे। गलबात कर लैंदे सर, लगातार जी आतम नगर हल्के की गलबात करी, तो बीते दिन कुलवंत सिंह सिद्धू काफ़ी एक्टिव सके उस हल्के, तो बीते दिन जरा उन्होंने पल्ला फड़ लिया, आम आदमी पार्टी का किस तरह वेखते? सो ये तो उन्हों का हक आ, जिते उन्होंने उन्होंने चंगा लगता वो जा सकते हैं। सो असी तो ये कोई कमेंट देने मैं वधिया नहीं समझांगा। ठीक है, उन्होंने वो चंगा लगे उन्हें वो कर लिया, तो जिहड़ा असी सानू चंगा लग रहा वो असी कर रहे हैं। सर लगता है कितना कितने हमेशा आम आदमी पार्टी में आगू उ जा रहे हैं कि लगता कि उन्होंने जी सीट नहीं मिल सकती अपनी पार्टी से, इस करके जरा वा आम आदमी पार्टी जी गल करी मतलब बग्गा की भोला अग्रवाल की या कुलवंत सिंह सिद्धू की, इस करके कहते आम आदमी पार्टी जाओगे सीट मिल जाएगी, आप भी किस्मत जमा लेंगे लगता है। सो सारे पंजाब दे विच यही हालात ने, जिहड़ी आम आदमी पार्टी अपने आप नूं कहिंदी सी साडी आइडियोलॉजी जिहड़ी आ बिल्कुल डिफरेंट आ, ते आपां अज कांग्रेस पार्टी दे विचों बंदे ले जा के अकाली दल दे विचों बंदे ले जा के गंगा नमाते इन्हां ने ले जा के भी हुण दो धोते हो गए। सो अज ये हालात होए पे आ भी अज उह इधरों उधरों लैके अपने नग पूरे कर रहे आ। असल दे विच टीम है नहीं, लड़ाई वड्डी आ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिहड़ा पिछले समय च इन्ना क वधिया परफॉर्म किया, एडा क वधिया बेस बना चुकिया, तो अज विरोधी पार्टियां नूं भजड़ पई हुई आ, उहनूं देखदे हुए इह जिहड़े पासे मर्जी बंदा मिले इन्हां कोल अपनी टीम हुंदी तां साडे टिका पार्टियां चों बंदे लिजाण दी इन्हां नूं लोड़ ना पैंदी, इह अपने वाले बंदियां नूं मूहरे लैके आउंदे। सो अज तुरे फिरदे ने कदे किसे कन्नी कदे किसे कन्नी भी आपदे नक पूरे कर लिए, नक पूरे करन लगे हुए ने। कल सारे कुलवंत सिंह सिद्धू वल्लों कहा गया सीगा कि कांग्रेस दीआं माड़ियां नीतियां करके उत्थे जो भी कहिंदे उह काम पूरा नहीं हुंदा, वादे जो कीते सी उह पूरे नहीं, इस करके उन्होंने पार्टी छड्डी आ, किस तरह वेखदे? सो पंजाब दे लोकां नूं देखो, एक अपनी सोच नाल नहीं, मैं उन्होंने की कहा मैं ये नहीं, मैं उहदे ते कोई कमेंट नहीं करदा। मैं इन्नी गल जरूर कहूँगा कि पंजाब दे लोग जिहड़े ने उह जे कांग्रेस पार्टी ने कोई पिछले समय चंगा परफॉर्म ना किया होवे तां अज पंजाब दे विच दुबारे कांग्रेस सरकार बनन की गल ना चलती होवे, ते सिर्फ अपने कोई निज स्वार्थ लई कोई कोई गल होई होवे उहदे ते मैं नहीं कुछ कह सकदा, उहनां नूं उह उहनां दी गल दा उहनां नूं पता उही जवाब दे सकदे ने। ते मैं इन्नी गल जरूर कहूँगा भी जो मैं देखिया भी 4.5 साल दे विच कांग्रेस पार्टी के हर लीडर ने डिवेलपमेंट तो बिना कोई गल नहीं की, तो जिहड़े साडे मेयर साहब की परफॉर्मेंस देख लो तुसीं, उह भी मैं कहना भी सारियां तो वधिया काम कर गए ने, तो कोई CM साहब वालों इस एरिए 25 करोड़ पहला 12 करोड़ हुण 37 करोड़ रुपया जिहड़ा आतम नगर हल्के नूं दिता, तो उस तो बाद लगभग घट्टो घट 5 करोड़ जे आपां ला लईए एक काउंसलर नूं मिलिया 12-5 60 करोड़ 60 करोड़ ये हो गया, तो 100 करोड़ के करीब आतम नगर हल्के जिहड़ा पिछले 5 साल के रुपया लग्या, तो हजे भी आप कही भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कुछ डिलीवर नहीं किया। हाँ ये जरूर हो सकता कि इंडिविजुअली किसी को लगता हो भी कुछ नहीं किया, पर पब्लिकली बहुत कुछ किया। सर 2022 की गल करते हैं आतम नगर हल्के की सीट लैके तैयारियां किस तरह दी कांग्रेस पार्टी? सो कहते जो बीजा सो वढ़ना, हर बंदे ने जो बीजा उन्होंने वढ़ना पैना, चाहे वह कमलजीत सिंह कड़वल होवे, चाहे वह कोई होर होवे। सो ये चीज़ होर 6 महीनों आ जानी, सब के सामने आ जानी भी पिछले समय दे विच किस बंदे ने लोगों लिए की किया। तो साड़ी टीम ने कोई सरकार दे कोई बेनीफिट नहीं ले, उल्टा लोगों लिए कुछ डिलीवर किया, और इमानदारी जिहड़ी गल करन दी साड़े च हिम्मत आ, मैं कहना भी जे तुसीं सारे कहने हो भी असीं इमानदारी नाल काम करदे आं लीडर जिहड़े आतम नगर हल्के दे, तो ऐतकी मैं भी अरदास करा के आऊँगा दरबार साहब इलैक्शन लड़न तो पहला कि मैं वचन दिना कि मैं अपनी जिंदगी दे विच कदे करप्शन नहीं करूँगा,
आ जाओ बाकी भी उत्थे जाके अरदास करा के लड़ लांगे इलैक्शन लग जू पता किहड़ा आउंदा किहड़ा नहीं आउंदा पता क्यों क्यों नहीं जांदे इत्थों ही दुकान चलाउणी आ ते दूजा जिहड़ा ना मैं कीता कि ना कोई मैडिकल बेनीफिट लवांगा जिहड़े विरोधी ने अरबां पति हो के अपने परिवारां दे इलाज कराउण लई पैसे लै ले ते जिन्हां ने जिहड़ियां तनखाहां दे नाल करोड़ां रुपया तनखाहां दा लै गए मैं वह भी कहता भी जी मैनू सैलरी मिलेगी अगर मैं इस मुकाम तक पहुँचना तो मैं वो सैलरी है जी भी किसी एन जी ओ दे देनी है मैं वह भी 100 रुपया नहीं रखागा तो अज तक किहड़े ये सज्जन ने जिहड़े कहिंदे ने असीं बड़े ईमानदार इन्हां च जिगरा क्यों नहीं पिया है अरबा खरबा दे थोड़े व्यापार ने क्यों लैंदे हो सरकारी सैलरी क्यों लए तुसीं मैडिकल बेनीफिट सो ये सिर्फ इतों बंदे की मानसिकता पता लगती है भी ये गल्लां कुछ ने असल कुछ ने सर मौजूदा विधायक आतोनगर हल्के तो सिमरजीत सिंह बैंस ने लगातार चीते आ रहे हैं पिछली बार भी जरा तो हार गए थे पर इस बार जरा वा बलात्कार का मामला दर्ज हो चुका वा सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ लगता है कितना कितने फायदा हो सकता वा इलैक्शन इसका नहीं ये देखो पहली इलैक्शन के सारे नाल सी लगभग ये परिवार उदो 32,000 से जितया लोग नहीं कह सकते परिवार ही कह सकते हैं उस तो अगली इलैक्शन दे विच असी अलग अलग सी ते जिहड़े आ गया काम लगभग 16,000 ते आ गया ते पिछे MP दी इलैक्शन गई आ ये डिफरेंस आके 6,000 ते आ खड़िया ते हुण उस टाइम तक कोई FIR नहीं हुई हुई सी इहदे ते उस टाइम तां इहदे ते कोई ऐसे इल्जाम भी है नहीं सीगे उस वक्त तक ये लगातार थले आ रहे आ जदों मैं MLA दी इलैक्शन लड़ी आ मैं उदों कल्ला ही कांग्रेस पार्टी दा इक काउंसलर सीगा तो ऐतकी साढ़े को जोड़े काउंसलर की टीम आ 8 काउंसलर ने साड़ी पार्टी के इतों तो ऐतकी टीम किड्डी वड्डी आ साड़ी पिछली बारी तो ऐतकी का बहुत फर्क आ इन चीज़ों का असी लाहा लैके जा इन चीज़ों के उत्ते मैं कोई पॉलिटिक्स ना करनी है ना मैं इतने कोई बयान देना जे उसते कोई FIR हुई है वो तो कानून मुताबक अगर कार्रवाई हो जूगी असी उस चीज़ पै के कोई लाहे लूहे लैन वाली गल तो होंगी आ जे मैं इस काम च कमाई करनी मिले सो तां बंदा इस पासियां नूं जरूर जांदा असी इस छोटियां हरकतां दे विच पै के कोई लाहा नहीं लैना चाहुंदे असी अपना काम करके अपनी लकीर लंबी करके असी जिहड़ी इह जंग ऐतकी जित्तांगे सानूं पता ऐतकी साडी इह सीटां जिहड़ियां सी दोने जिथे पंजाब दीआं उत्थे दोने सीटां ऐतकी जिहड़ी कांग्रेस पार्टी जित्तूगी सर कुलवंत सिंह सिद्धू दे जाण नाल पार्टी नूं नुकसान होएगा कोई क्योंकि काफ़ी एक्टिव सी उह वी आतमनगर हलका दे सो देखो हर बंदे नूं अपने मुताबक लोगों ने देखना अपने अंदर जरिए मैं उदे कमां भी जा बहुत वधिया जा घटिया मैं कुछ नहीं उदे कमेंट करना चाहुंदा यह आ भी जो उन्हें किया होगा वो सामने आजू जो असी किया साढ़े सामने आजूगा असी तो इन्नी गल ही करांगे सो ये जरूर आ भी जो कांग्रेस पार्टी ने सानू कोई जगह दिती आ कोई इज्जत मान दिता तो वो असी तप किया होया लोगों कुछ ना कुछ अपने लिए जेब चो कुछ कढ के खर्च करके शाम को घर जाने दूजिया मूंग भी नहीं भी अपनी जेब च पैसे पा के घर जाते हुई तो गल्लां आपां करिए भी कांग्रेस पार्टी ने सानू आ नहीं दिता वह नहीं दिता जदों थोड़ा किरदार देखते आ ना लीडर जदों पार्टियां कोई थोड़ा टिकट देंदियां थोड़ा किरदार चैक कर दियां ने उस किरदार दे विच कौन पिछे कि खड़ा मैं ये नहीं कहता भी कोई चंगा जां माड़ा उत्थे शायद कितने उन्होंने लगे होगा भी साडा कितने उन्होंने सिस्टम ठीक लग्या होगा साडा काम करन दा तरीका ठीक लग्या पार्टी ने सानू टिकट दित्ती मान दित्ता तो असी उस ते परफॉर्म करके दिखाया काम करके दिखाया तो अगे भी साडा सानू उम्मीद आ भी असी वधिया साडे रिजल्ट आउंगे ये बिल्कुल ऐसे कमलजीत सिंह कड़वल जो कि हल्का इंचार्ज ने आते हल्के तो असी गलबात की 2022 विधानसभा चुनाव लैके तो उन्होंने यही किया कि जो भी हाईकमान का ऑर्डर होगा निर्देश दिया जाएगा उन्होंने निभाया जाएगा कैमरामैन जग्गे नाल परे शर्मा द समर न्यूज लुधियाना मेरी जानकारी लिए लाइक करो साडे फेसबुक पेज नू ते सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नू ते इंस्टाग्राम नू फॉलो करना ना भूलियो।